इस वीडियो में PCl3 थ्री और PCl5 फाइव को हम बिल्कुल एक साथ लेंगे और देखेंगे कि, कि किस तरह से प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलरिटीज मिलती हैं। PCl3 थ्री जो है फॉस्फरस ट्राईक्लोराइड इसमें एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है और ड्यू टू वन लोन पेयर ये हो जाता है पिरामिडल उसी तरह से पी सी एल फाइव जो है ये एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे पी सी एल फाइव में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी आपको बना दूंगा और इसके बाद यहाँ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें हम लोग एक पैरल फॉर्म में ऐसा देखेंगे तो ईजी भी हो जाएगा टाइम भी बचेगा अब ये देखिए पी में जो फॉस्फोरस है उसके साथ जब क्लोरिन के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ से मिलता है हमें पी सी एल थ्री अब ये फॉस्फोरस जो है चार है क्लोरीन बारह हो गया तो इसको सिक्स टाइम्स कर दीजिए यदि पी फोर एस सी एल टू देखिए थानाइड क्लोराइड है और ये कहलाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड ये जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड तो अब यहाँ पे जब हम P4 का जब SOCl2 के साथ रिएक्शन देखते हैं तो ये पहले तो आप बना दीजिए PCl3 सी थ्री प्लस एस ओ टू एंड प्लस एस टू सी एल टू सल्फर मोनोक्लोराइड तो यहाँ पे आठ सल्फर है तो चार यहाँ पे रख दीजिए दो यहाँ पे कर दीजिए ये देखिए एट ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं तो लग रहा है एट फिफ्टी जैसा ओके तो यहाँ पे आठ सल्फर है तो यहाँ पे फोर एंड फोर एट हो गया सिक्सटीन क्लोरीन है फास्फोरस चार है तो यहाँ पे हम फोर कर देंगे तो देखिए ट्वेल्व एंड फोर सिक्सटीन ये बैलेंस हो गया अब इसी तरह से जब हम जाएंगे पी सी के लिए तो पहले से हमारे पास पी सी है इसमें और एड कर दिए क्लोरिन ये हो गया पी सी तो यहाँ पे पी सी एल थ्री और ये टू और ज़्यादा हो गया तो पी सी एल फाइव हो गया जब हम जाएंगे पी फोर एंड एस ओ टू सी एल टू में तो देखिए यहाँ पे पहले बनेगा पी सी एल फाइव है चार तो अब क्लोरिन कितना हो गया ट्वेंटी तो ये देखिए टेन इंटू टू ट्वेंटी इसका मतलब क्या बचेगा टेन एस ओ टू ये हो जाएगा टेन एस ओ टू इसी तरह से जब आप पी सी एल थ्री ले रहे हैं तो यहाँ से दो क्लोरिन ले लीजिए पी सी एल फाइव और एस ओ टू बच जाएगा पीसीएल फाइव एंड एसओ टू इस तरह से तो हम पैरेलल देखेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन हम पी सी एल थ्री का और पीसीएल फाइव का कर रहे हैं अब यदि हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टीज के अंदर हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस में हम देखेंगे कि पीसीएल थ्री के हाइड्रोलिसिस से ये देखिए यहां पे हाइड्रोलिसिस हमने लिया यहां से बनेगा एच थ्री थ्री और एच थ्री थ्री तो यहां पे देखिए क्लोरीन है फाइव प्लस एच सी एल पी सी एल थ्री पहले हम लेंगे राइट साइड में पी सी एल फाइव लेंगे तो ये देखिए पी सी एल थ्री प्लस एच टू ओ तो थ्री एच सी एल थ्री थ्री सिक्स हाइड्रोजन इसको थ्री कर देंगे ये बैलेंस हो गया लेकिन जब हम पी सी एल फाइव के हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो पी सी एल फाइव प्लस एच टू ओ में यहाँ पे एक जो होता है वो होता है पी ओ सी एल थ्री एंड प्लस एच सी एल अब देखिए पी ओ सी एल थ्री तो दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएंगे टू एच सी एल इसमें एक और रिएक्शन होता है कि यदि पी सी एल फाइव लिया है आपने तो यहाँ से मिलता है अभी देखिए प्लस फाइव है या स्टेट तो एच थ्री पी ओ फोर मिलता है तो फॉस्फोरस एक है हमारे पास तो थ्री और ऑक्सीजन चार है तो इसको हम ऐसा कर देंगे तो एट में से थ्री हो गया तो अब हमारे पास बचा पाँच एच तो इस तरह से जो है हाइड्रोलिसिस पी सी एल थ्री और पी सी एल फाइव का ले लेते हैं इसको नोट कीजिए कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं सी टू एच फाइव ओ एच और सी एच थ्री सी ओ एच इथाइल एल्कोहल एंड एसिडिक एसिड दोनों के साथ दोनों के ही रिएक्शन होते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट होगा तो यहां पे हम पहले ले रहे हैं पी सी एल थ्री प्लस सी टू एच फाइव ओ एच अब यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है सबसे पहले तो सी टू एच फाइव सी एल बन जाएगा ये देखिए सी टू एच फाइव सी एल एक्चुअली एथाइल क्लोराइड दोनों में ही बनता है यहाँ पे. तो सी टू एच फाइव सी एल हो गया इसके बाद हम यहाँ पे यदि यह थ्री टाइम्स कर देते हैं तो बचता है हमारे पास एच थ्री पी ओ थ्री देखिए एच थ्री पी ओ थ्री इसी तरह से हम पी सी एल फाइव के लिए भी लिखेंगे यहाँ पे भी सी टू एच फाइव सी एल मिलेगा तो यहाँ पे देखिए आप पी सी एल थ्री प्लस सी टू एच ये यहाँ पे पी सी एल फाइव प्लस सी टू एच फाइव ओ एच यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट बनता है सी टू एच फाइव सी एल के अलावा वो बनता है पी ओ सी एल थ्री और इसके साथ जो है हमारे पास एच सी एल बनेगा तो देखिए यहाँ पे सी टू एच फाइव सी एल एक यहाँ पे हो गया तीन और एक चार हो गया ये बैलेंस हो गया आपका तो फास्फोरिल क्लोराइड ये है फास्फोरिल क्लोराइड अब हम देखेंगे एसिडिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन है तो यहां पे PCl3 थ्री प्लस सी थ्री सी ओ ओ एच यहां पर बनेगा सी थ्री सी ओ सी एल तो यह देखिए सी एच थ्री सी ओ और यहां से सी एल प्लस H3PO3 तो यदि हम थ्री टाइम्स कर दें इसको भी थ्री टाइम्स तो देखिए सी एच थ्री सी ओ थ्री टाइम्स सी एल थ्री टाइम्स तो बचा क्या एच थ्री पी ओ थ्री अब इसी तरह से यदि हम पी सी एल फाइव लेते हैं तो इसमें देखिए ये दोनों फिर से कॉमन ऐसा हो जाएगा यहाँ पे हम लेंगे पी सी एल फाइव प्लस सी थ्री सी ओ एच यहाँ पे सी थ्री सी ओ सी एल बिल्कुल ऐसे ही सी एस थ्री सी ओ सी एल जहां पर एस थ्री पीओ थ्री बन रहा है यहां पे पीओ सी एल थ्री और एच सी एल बन रहा है तो प्लस हम लेंगे पीओ सी एल थ्री एंड प्लस एच सी एल अब बैलेंस करके देखते हैं यहां पे क्लोरिन तीन चार एक पांच है सी एस थ्री एच बी एक है यस ये बिल्कुल बैलेंस है तो ये जो है सी एस थ्री सी ओ सी एल पीओ सी एल थ्री एच सी एल का कॉम्बिनेशन तो इसमें ये दोनों कॉमन आपको नजर आ रहे हैं अब ये दो प्रॉपर्टीज दोनों के लिए अलग अलग है पी सी एल फाइव के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है और पी सी एल थ्री के लिए बेंजिन सल्फोनिक एसिड है तो अब देखेंगे एक एक करके जैसे मान लिए यहाँ पे हमने ले लिया एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ये तो एच टू एस ओ फोर ही है लेकिन एच टू एस ओ फोर को हमने ऐसा लिख दिया अब यदि इसके साथ रिएक्शन पी सी एल फाइव का होता है तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ओ OH एच ये रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे दो क्लोरीन तो ये हो जाएगा SO2 Cl2 तो एक प्रोडक्ट हमारा हो गया SO2 Cl2 और SO2 Cl2 क्या है सल्फ्योरिल क्लोराइड तो SO2 Cl2 इसके बाद बचा क्या है अब एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ ले लीजिए और बनाइए पी ओ सी एल थ्री पी ओ सी एल थ्री और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा टू पी ओ सी एल थ्री अब यहां पे देखिए दो फास्फोरस हो गया तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब क्लोरीन हो गया दस तो सिक्स टू एट तो आप ले लीजिए टू एच सी एल तो ये पूरा बैलेंस हो गया फास्फोरिल क्लोराइड पी ओ सी एल थ्री एस ओ टू सी एल टू यहाँ पे हम लोगों ने कहीं नाम दिया होगा सल्फ्योरिल क्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड मैंने आपको बताया है एसओ सी एल टू थानाइड और एसओ टू सी एल टू सल्फ्योरिल क्लोराइड अब ये जो बेंजिन सल्फोनिक एसिड है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सी सिक्स एच फाइव और यहाँ पे देखिए अब एच एस ओ थ्री होना चाहिए तो ये यह यहाँ पे हम डॉट ओ एच ऐसा लगा देते हैं सी सिक्स एच फाइव एस ओ टू ओ एच तो एच एस ओ थ्री सी सिक्स एच फाइव एच एस ओ थ्री ये हो गया बेंजिन सल्फोनिक एसिड और इसके साथ हम पी सी एल थ्री का रिएक्शन देखेंगे अब यहाँ पे देखिए एक ओ OH एच को सी एल से रिप्लेस करेंगे सी सिक्स एच फाइव एसओ टू सी एल और इसके बाद जो बचा हुआ है इसके साथ हो जाएगा एच थ्री थ्री तो तीन ऑक्सीजन के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री तो यहां पे देखिए तीन क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और एच थ्री थ्री भी हो गया तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने PCl3 थ्री एंड पीसीएल फाइव का लिया तो अभी हमने देखा कि H2SO4 का पीसीएल फाइव साथ रिएक्शन है तो PCl5 जो देता है एस ओ ये जो है सल्फियो क्लोराइड है और ये फास्फोरिल क्लोराइड है अब यहाँ पे जो है PCl3 के साथ देखिए SO2 बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 बनता है तो यहाँ पे थोड़े से प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं जब हम मेटल के साथ लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मेटल जो है ये जेड एंड मतलब मेटल जो है रिड्यूसिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइज हो गया इसका जो प्लस फाइव था वो प्लस थ्री ऑक्सीडेसन स्टेट हो गया यहां पे इसी तरह से एजिट जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया और फास्फोरस जो है वो रिड्यूस हो गया तो यहां पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस यहां पे देखिए प्लस फाइव है ये हो गया प्लस थ्री तो यहां लिखेंगे चेंजेस फ्रॉम प्लस फाइव टू तो प्लस थ्री हें इट इज रिड्यूस्ड तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक है हमारा उसी तरह से कुछ और जो है रिएक्शन हैं जैसे पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू ये रिएक्शन हमने पी सी एल फाइव के फॉर्मेशन में लिया था और उसी तरह से पी सी एल थ्री प्लस ओ टू जो है ये बनाएगा फॉस्फोरिल क्लोराइड तो ये जो कुछ रिएक्शन थे जो पी सी एल थ्री और पी सी एल फाइव से रिलेटेड है